एक सवाल है कि मीलाद मनाना कैसा है और उसकी शरई हैसियत क्या है, और जुलूस जो आजकल हम जुलूस में 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी गुलामी का सबूत देते हैं उम्मती होने का, तो जुलूस की शरई हैसियत क्या है? हर वो चीज़ जायज़ है, हर वो चीज़ जायज़ है शरीयत ने जिससे रोका नहीं, मगर उस जायज में कुछ नाजायज की आमेजिश आप न करें। जब नबी के लिए जुलूस निकाल रहे हैं तो उस बात का शरीयत का ख्याल बहुत रखें, गैर शरई कोई हरकत ना करें, बिल्कुल वो जायज। हर वो चीज जिसको शरीयत ने नाजायज नहीं कहा वो जायज, उसको नाजायज कहना ये शरीयत के अंदर तहरीफ है, वो सब जायज है। मगर यही है कि कुछ लोग बहुत गलती कर जाते हैं, जुलूस निकालने में बहुत गैर शरई काम शुरू कर देते हैं, वो कभी जायज नहीं, वो अलग बात है। मैं बताऊं, नमाज पढ़ना फर्ज है ना, मगर उसमें रियाकारी अगर हो तो, अगर रियाकारी दिखावे के लिए कोई नमाज पढ़े तो नमाज उसके चेहरे पर डाल दी जाएगी। तो मुझे ये बताओ, रियाकार से हम उसकी रियाकारी हटाएं या ये कहते कि नमाज पढ़ना छोड़ रहे, नमाज छोड़वा दे, इसलिए इसमें रियाकारी होती है, इसमें दिखावा होता है। अरे भाई, जो बुरी चीज है वो छोड़ो और जो सही चीज है वो करते रहने दो।